हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मोत्सव समारोह नाना राव पार्क फूलबाग में हुआ, जहां पर जनसैलाब देखने को मिला। कई संगठनों के द्वारा कैंप लगाकर मेले में आए सभी लोगों को मिष्ठान, पानी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट आदि सामग्री वितरण की गई। समिति के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। आइए देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं यूनियन बैंक स्टेट इम्प्लॉज वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूं। आज 14 अप्रैल को नाना राव पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जन्म विभिन्न परिस्थितियों में एक महर जात के नाम महू में हुआ था। आपने पूरे जीवन समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित न्याय प्रक्रिया के तहत समाज की संरचना करना था। उन्होंने कहा, अभी हमारे लोगों को आज़ादी नहीं मिली है, जब तक हमें आर्थिक और सामाजिक राजनीति में हिस्सेदारी नहीं बनती तो हम अभी अपनी को अधूरी आज़ादी मानते हैं। इस सब के लिए हमारे जितने भी संगठन हैं पूरी तरह समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राजनीति समानता के व्यवहार को हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने नारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, आम सभी जात के लोगों को उन्होंने देश से जोड़ने की कोशिश की है। और उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे पास 32 डिग्रियां होने के बावजूद भी इस देश में मुझे एक सामान्य नागरिक की हैसियत से नहीं देखा जा रहा है। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं की, सारे जीवन दलितों, पिछड़ों और नारियों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कार्य किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है और मैं इंडियन बैंक दादानगर शाखा में पदस्थ हूँ। आज हम सब यहाँ पर बाबा साहब का 133वां जन्मोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं और हम सबके लिए सब बहुत गौरव का विषय है कि हम सब यहाँ पर आके उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और आज बाबा साहब की देन है कि औरतों को समाज में पढ़ने का, समानता का, हर चीज़ का अधिकार मिला हुआ है। हम भी बराबरी से हर चीज़ कह पा रहे हैं, अपने अधिकारियों के लिए लड़ पा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर धूसिया परिवार के स्टॉल पे हम लोग खड़े हैं। पूरा देश, प्रदेश, दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले लोग आज के उनकी जयंती को पर्व के तौर पे मना रहे हैं। आज जब खास तौर पे भारत में हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान जो बाबा साहब ने रचा था, आज कहीं ना कहीं उसके मूल्य खतरे में है, कहीं ना कहीं आज संविधान पे संकट खड़ा हो गया है, तो हम लोग सब बाबा साहब के मानने वालों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था उस पर चल के हम लोग संविधान की रक्षा करने में और इस देश को खुशहाली रास्ते पर आगे ले जाने में कामयाब होंगे। आज मैं अध्यक्ष दुसिया समाज का पीके मंडल बोल रहा हूँ मैं, और इस समय मैं अपने भाग्य विधाता के जन्मोत्सव पे मैं आया हूँ यहाँ पे, और मैं इनकी तारीफ में खड़ा हूँ, इनकी सेवा में, बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा नाम अनूप चंद सोनकर है और ये जन कल्याण मैत्री विकास समिति का कार्यक्रम है जो पिछले विगत जो है कम से कम ये 35 से 36 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। ये सबसे पुराना कैंप है, इसके संस्थापक डॉक्टर के आदर्श जी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। पहले तो ये पोस्टर नहीं लगते थे, उस समय ये हाथों से लिख के बाबा साहब का विचार
और सब लिख के लगाया जाता था, अब ये सब खैर ये कुछ छपने लगे हैं। तो ये निरंतर जो है पिछले 36 सालों से ये कैंप लग रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा का लगता था सबसे पहले, उसके बाद फिर ये कैंप हमारा हम लोगों का लगता था। तो ये निरंतरता इसमें बनी हुई है। सबसे बड़ी बात इस संस्था की यही है कि पिछले 36 सालों से संस्था काम कर रही है। इसके अलावा भी बहुत से कार्य संस्था के द्वारा किए जाते हैं जो सामाजिक हित के रहते हैं। मेरा नाम जी डी सोनकर है, मैं IIT से रिटायर्ड हूँ और पिछले करीब 40 साल से हम लोग समाज सेवा में कार्यरत हैं। बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, एकजुट हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। अमित कुमार इस संगठन का उपाध्यक्ष हूं और हमारे मंत्री जी हैं दिनेश गौतम जी, अध्यक्ष श्री राम नरेश जी हैं और ये सिंचाई विभाग का जो कर्मचारी संगठन है उसके संगठन पूरे सिंचाई विभाग की तरफ से हम लोग बाबा साहब की जयंती आज मना रहे हैं वो नाना राव पार्क में। और ये हम लोग करीब करीब 35-40 साल से ये विभाग मनाता रहा है। तो आज के दिन हम अपने विभाग के सेवा के साथ साथ यहाँ पे आम जनमानस सबकी सेवा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करते हैं। देश है और बाबा साहब को घर घर पहुँचाना है, इसके लिए जो है कि हम लोग आज हमारे जे मेरा नाम अविनाश गौतम, मैं वाणिज्य कर में कार्यरत हूँ। ये आज ये बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष में हमारे विभाग द्वारा अपना कैंप लगा के उनके जयंती के उत्सव को मनाया जा रहा है। बाकी बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर उनका प्रचार प्रसार, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना, हम लोग इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को यहाँ संचालित करते हैं। बाकी उनके जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग शरबत वितरण, मिष्ठान वितरण ये सब कार्यक्रम करके यहाँ के आने वाले जो मेले में हैं उनको प्रसाद का वितरण करते हैं। मैं रवि प्रकाश, GST ऑफिसर कानपुर। ये बाबा साहब की 133वीं वर्षगांठ पर हम लोग बड़े धूमधाम से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। मेरा नाम महेश चौधरी है और मेरे साथ श्री अशोक कुमार गौतम जी हैं। हम DRDO कानपुर से हैं और आज ये जो पंडाल लगा हुआ है, ये जो हम आयोजन कर रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 133वां बर्थडे या जन्मदिन का सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो एक महामानव थे जिन्होंने भारत के क्या पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ों पद दलित दलित पद दलित शोषित शोषित समाज, जो सर्वहारा समाज था, जो प्रतिलित समाज था, नारी मुक्ति के दाता थे, उनके बर्थडे के लिए आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि पूरा भारत आज उनके जन्मदिन को बहुत ही जोर शोर के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। बताया कि बाबा साहब का इस देश के जो आधुनिक निर्माण में कितना बड़ा योगदान है और हम लोगों का जो एक ऐसा वर्ग जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहा उसके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, देश के उत्थान के लिए काम किया, संविधान बनाया उन्होंने, मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए, महिलाओं के लिए काम किया और इस तरह से अनेकों काम है जो अनिग्रह थे, इसलिए वो भारत रत्न नहीं है, विश्वरत्न है। और ऐसे महायुग पुरुष के लिए जो है जो हम लोग उनको याद कर रहे हैं आज के दिन, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज किसी खास वर्ग के नहीं है बल्कि वह पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के हैं और आज भारत का एक एक व्यक्ति उनके द्वारा बनाए हुए नियम कायदे कानून संविधान या उनके द्वारा दी गई हर चीज़ का पूरा लाभ उठा रहा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे महापुरुष की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाएं। बाबा साहब को समझिए, बाबा साहब को जय।
मैं न्यूनिया में एक ऑफिसर हूँ और हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर हर साल बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसमें हम लोग सुबह से शाम तक जो भी यहाँ आने वाले लोग होते हैं उनको मिष्ठान और पानी का वितरण करते हैं और हमारे जो कंपनी की प्रोडक्ट हैं पॉलिसीज हैं उनके बारे में थोड़ा अवगत भी कराते हैं। मैं रामेश्वर गौतम कानपुर में कस्टर हूँ और यहाँ पे मैं जनरेशन व्यक्ति के अंश से हूँ। ये जो मेला लगता है बाबा साहब का तो इसमें हम लोग दिन भर जो धूप से आते हैं लोग दूर दराज से आते हैं उनके लिए पानी और अल्पाहार की व्यवस्था करते हैं ताकि उनको कष्ट ना हो और अपनी बीमा पासियों के विषय में। मैं जगदीश कुमार रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी ये पंडाल जो है 2009 से कठेरिया समाज के लोगों को एवं संबंधित सभी समाज के लोगों को मूल धारा में लाने के लिए और बाबा साहब के आचरण विचार और उनके जो नियम थे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए 2009 से काम कर रहा है। मूलतः बहुत सारे जो अंचल में लोग हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से अपरिचित हैं, वंचित भी हैं, जिस वजह से वो बाबा साहब की विचारधारा से मिलने वाले लाभों से भी वंचित स्थिति में मैं जगदीश कुमार सचिव बहुदेशी सज्जन एवं कल्याण संघ से कि जो लोग बाबा साहब की विचारधारा से अपरिचित हैं वंचित हैं तो वंचितों के लाभ के लिए उन्हें बाबा साहब की मूल धारा में लाना। मैं कौशल किशोर क्षेत्रीय सचिव सेंट्रल बैंक SC ST OBC ब्लैक वेलफेयर एसोसिएशन का। तो सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल को हम लोग इतना उत्साह क्यों मनाते हैं तो बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर हम वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने बैंक की तरफ से अपना एसोसिएशन की तरफ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि काफ़ी सालों से करते चले आ रहे हैं इस बार भी हम लोगों ने बाबा साहब का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया है और सभी लोगों ने अच्छे से इसमें शरीक हुए शामिल हुए और एक दूसरे को बधाइयाँ दी और जैसा कि हर साल से चला आ रहा है काफ़ी पुराने समय से हम लोगों का एसोसिएशन भी ये प्रोग्राम करता चला आ रहा है और आगे भी ऊपर वाले कृपा रही तो हम लोग करते रहेंगे और आप सब लोगों को सहयोग का आज हम लोग पंजाब से बैंक SC ST एसोसिएशन की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं उनके जो मार्गदर्शन दिए गए उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। समाज सुधार के लिए जो पिछड़े दलित और जो भी अछूते वर्ग हैं इनके लिए हमारा संगठन जो भी बैंक में काम कर रहा है इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कुलदीप सिंह पंजाब नेशनल बैंक SC ST एसोसिएशन का मतलब सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के आज सारे समस्त स्टाफ के साथ में इस जयंती को बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और हम आज सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम प्रदीप शाह है, मैं बड़ौदा UP बैंक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और बाबा साहब के 135वें जन्मदिन के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है और हमारे साथ हैं हमारे महासचिव ऋषिराज सिंह, कोषाध्यक्ष सूरज गौतम जी और हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम लगाया जो हर साल की भांति इस साल भी सुचारू रूप से चल रहा है और शेष मनाई जाती है उसमें बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर की तरफ से स्टॉल लगता है जिसमें हम लोगों की सेवा करते हैं और बाबा साहब के जो पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बताया जाता है कि किस किस तरीके से शिक्षित हों और मेहनत करें और तरक्की करें आगे। एक
बाबा तेरी ये कुर्बानी जय जय भीम जय जय भीम। ये अपना परिचय दीजिए। मैं सूरज चंद वाल्मीकि, आज यहाँ क्या कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश स्वच्छकार महासमिति अध्यक्ष, कानपुर नगर। आज ये आज का दिन सर्वप्रथम सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में जो समर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ कि हे बाबा साहब, हमारे समाज को सद्बुद्धि दे, ताकत दे, शिक्षा में आगे बढ़ाए। और आज पूर्व संध्या पर हम लोग जो है यहाँ पर एकत्र होकर उनको याद किया जा रहा है और कल 14 अप्रैल को यहाँ भव्य कार्यक्रम जो होगा, जिसमें हमारे समाज के लिए जो है उसमें जो है मिष्ठान वितरण करेंगे हम लोग। और यहाँ पर जो है कल आलोक मिश्रा जी भी आ रहे हैं, कानपुर प्रत्याशी जो गठबंधन है, और क्षेत्र के पार्षद भी यहाँ पर रहेंगे, जिससे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर भव्य रूप से किया है। और आशा करते हैं कि हमारे समाज को बाबा साहब सद्बुद्धि दे, ताकत दे, शक्ति दे।